फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम मोना रनवाल। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैम। दोस्तों, जो बांटे वो राजा कहलाए, शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपने सुना ही होगा। तो इसी के रिलेटेड आज की मेरी ये स्टोरी है। दोस्तों, बहुत पौराणिक मनोरंजक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में दावत रखी। दावत में उन्होंने असुर और देवता दोनों को बुलाया। अब असुरों ने कंप्लेंट की ब्रह्मा जी से कि आप हमें दावत पे बुला रहे हो, पर हमेशा की तरह आप देवताओं के बाद ही हमें खाने के लिए भेजोगे, हमारा अपमान हो जाएगा, हम अब ये अन्याय सहन नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको दावत पे बुलाया है तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो असुर मान गए। अब असुरों को दावत पे बुलाया गया, देवताओं को दावत पे बुलाया गया, पर पहले असुरों को खाना खाने बिठाया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बार आपका मान पहला होगा, आप पहले खाना खाने बैठोगे, पर मेरी एक शर्त है कि आपके दोनों हाथों पर 3-3 फुट की लकड़ी बांध दी जाएगी, उसके बाद ही आपको खाना खाना पड़ेगा। असुरों ने सोचा कि हमें पहला मान मिल रहा है, बस इसी में हम खुश है, हमें मंजूर है, कुछ भी नहीं सोचा और मंजूर है बोल दिया। अब खाना परोस दिया गया, पत्थरवड़ी में पूरी, खीर, हलवा, सब कुछ रखा गया और असुरों के हाथों में लकड़ी बांध दी गई। अब उन्होंने खाना शुरू किया असुरों ने, पर वो खाना उठाते फोल्ड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लकड़ी बंधी हुई थी, तो उन्हें खाने ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया, ऐसा फेंक कर मुंह में कैच करना और पता नहीं, अलग अलग अपने अपने तरीकों से उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, पर उनको खाना आया ही नहीं। उनका बहुत अपमान हो गया क्योंकि उन्होंने एक बाइट भी खाने नहीं मिला और वो भूखे ही रह गए। अब हो गया असुरों का टाइम, अब आ गए देवता। देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने यही बोला कि आपके हाथ में हम 3-3 फुट की लकड़ियाँ बांध देंगे। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, पर हमारी भी एक शर्त है कि हम आमने सामने बैठेंगे और हमारा प्लेट सामने की तरफ परोसा जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। अब असुर देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा खाना खाएंगे, अब हम देखते हैं। तो देवताओं ने क्या किया, उनके हाथों पर जो पट्टी बंधी थी, सामने एक देवता बैठे थे, उन्होंने पूरी ली और सामने वाले के मुंह में डाला, और सामने वाले ने उनके सामने वाले के मुंह में डाला। इसी तरह उन्होंने पूरी, खीर, हलवा, सब कुछ आराम से पेट भर के खाया और असुर देखते रह गए। असुरों को इतनी शर्म आई कि अगर हमने देवताओं को पहले खाना खाने के लिए बोला होता तो शायद इतना अपमान सहन न करना पड़ता और हम भूखे भी नहीं रहते। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, देखा, जो पहले खुद के बारे में सोचता है, खुद के पेट के बारे में सोचता है, वो हमेशा असुर कहलाता है, इसीलिए। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, पहले दूसरों का पेट भरने के लिए सोचता है, वो देवता कहलाता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये कहावत की गई है कि जो बांटे वो राजा कहलाए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमेशा अगर आपके प्लेट में एक रोटी है तो आधा देने का ही सोचो। थैंक यू।